अब गेम चलता रहे, टक सिंगल टक सिंगल टक सिंगल 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 चलते रहे, तो यही है ना। लेकिन उसके क्या वही कि प्रोएक्टिव रहे, टक सिंगल टक सिंगल टक सिंगल टक सिंगल। क्योंकि जब आप प्रेशर में जाओगे ना मैच में, तो आधे का क्वार्टर हो जाएगा, क्वार्टर यहाँ पे इसका मतलब कि वहाँ क्लोज हो जाएगा। शाबाश शाबाश, और स्ट्रॉन्ग फिनिश करें। मैंने यार कुछ वही स्लैश और वो जो हम बात कर रहे थे ना, कि ये मैच यहाँ ना हो, ये यहाँ से जाए, देखो यहाँ होगा यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से जाए और फिर आए, ठीक है। और अगर जो यहाँ होता है ना, यहाँ पे यहाँ से फिर बनाओगे तो उसमें लेट हो जाता, इसलिए वो आते आते लेट हो जाता है, ठीक है। आधा है, हाँ क्या बात है, ये गेम नहीं चेंज करनी, कोई गेम वही है बस, क्योंकि T20 में आपको वही बॉल जो हम चेक करते थे आप चेक नहीं करने, अगर फिनिश करना है, जब उसको कैच करोगे तो आपको उसकी अच्छी बॉल के क्या सिंगल लोगे, तो यू डन, उसकी बैट बॉल को आप कैच करो और उसकी अच्छी बॉल पे सिंगल, उसको उस पर प्रोएक्टिव रहे। हाँ हाँ गुड फिनिश, स्क्वाले खेली तो उसको फिनिश किया, पूरा मारे तो उसको फिनिश किया, बस हाथों से खेलना है उसमें। अच्छा इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैंने पता नहीं क्या है, कुछ बैट्समैन है अगर टाइमिंग अच्छा करोगे तो बॉल खुद ही जाता है। पिचेस पे ट्रस्ट करें, अपने अपने बिल्ड पे ट्रस्ट करें और अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खेलोगे, आप 40 बॉल खेलोगे 70 रन करोगे, अगला भी 40 बॉल 70 रन करेगा, एंड में आगे एक आधा बैट्समैन होगा जो कि इसका शायद 300 रन का होगा। आप समझें कि जितनी भी आपकी क्रिकेट है ना, बैट्समैन के लिए टॉप हैंडी क्रिकेट है सारी। ये वाला जो है ना हाथ, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, वो सिर्फ ये दो उंगलियों से खेलते हैं, सिर्फ दो उंगलियों से। ये सिर्फ आप ये आप जब एक हाथ से बॉल बैट पकड़ते हो तो ये कहाँ जाता है, जिधर जो हर तरफ जाता है, ये जो देखें, ठीक है। स्ट्रेट ड्राइव्स हैं, कवर शॉट है, कट शॉट है, ठीक है, फ्लिक है, पुल है, ये तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये यूज नहीं करना क्योंकि ये बैट है, तो बैट को ज़रा बैलेंस डालना है, तो इसलिए मैं इसके साथ में कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है, ये मेरा स्ट्रेट ड्राइव, कवर, कट, स्क्वायर लेग, फुल, अपर कट, किस में यूज हो रहे हैं, हर में यूज। ये कहाँ यूज होगा, ये सिर्फ इस शॉट में यूज होगा, ये एक जगह के लिए।